अस्सलामुअलैकुम। तो चलिए आज बनाते हैं दो तरह की तुरई की सब्जी। मैं आपको दो तरह के तरीके बताती हूँ जैसा कि मैं बनाती हूँ, तो वो तरीका मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैंने 3 kg तुरई ली है, आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा जितना आपके यहाँ बनती है। तो छिल के धुल के फिर थोड़ा सा उसका पानी सूख गया तो मैंने इसे काट लिया है, जैसा कि आप देख रहे हैं। आप अपने हिसाब से जैसा भी काटती हूँ वैसा काट लीजिए। तब एक काम करिए, आपके चूल्हे को जलाइए और उस पर कढ़ाई चढ़ा दीजिए, जो सारी तुरई है उसमें डाल दीजिए। आपको तेल डालने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपके पास रिफाइंड है तो वो यूज़ कर लीजिए। मैंने यहाँ पे सरसों का तेल लिया था, उसे पका के पहले ही ठंडा कर लिया था। तुरई को पूरा मैंने कढ़ाई में डाल दिया है और उसके बाद से मैंने 6 से 7 टमाटर काट लिए हैं, धनिया मुट्ठी भर, हरी मिर्च 6 से 7 और नमक साथ में ऐड कर दीजिए। और इसके बाद आपको क्या करना है, रेड चिली पाउडर डालना है। तो यहाँ पे मैंने तेल जो डाला था वो थोड़ा सा मैं भूल गई थी और उसके बाद मैंने तेल डाला है, तो हल्दी भी थोड़ा ऐड कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सबसे पहले लीड लगा दी, उसके बाद से तेल डाला है। तो आप क्या करिएगा, सब चीज़ों को डालने के बाद से आप इसमें तेल ऐड कर दीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने लीड लगा ली है और 2 से 3 मिनट के बाद से फिर मैंने यहाँ पे तेल डाला है। तो तेल को मैंने पहले ही पका कर रख दिया था और ठंडा हो चुका था, तो अब इसको इसमें ऐड कर देंगे। उसके बाद से 5 से 12 मिनट के लिए लगा के कवर कर दीजिए। तो और गैस की फ्लेम को आपको स्लो ही रखना है ताकि धीरे धीरे जो है ये पानी छोड़े, एकदम से हाई नहीं करना है कि तुरई जो है कढ़ाई में चिपकने लगे। तो 5 मिनट के बाद से तुरई ने अपना पानी छोड़ दिया है, बस थोड़ा सा चलाने के बाद से इसे हम फिर से लिड लगा के कवर कर देंगे। और एक तरफ मैंने दूसरा फ्राई पैन चढ़ाया हुआ है और उसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। जब से हमारी वो वाली तुरई पक रही है, दूसरी तरफ हमने दूसरा पैन चढ़ाया है ताकि जो दूसरी रेसिपी मैं आपको दिखा सकूँ। तो इसके लिए मैंने 1 मीडियम साइज का प्याज लिया, 1 तेज़पत्ता, 1 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 1 लौंग और थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा और 1/2 चम्मच जीरा, उसको डाल दीजिए फ्राई पैन में। जब तक आपकी प्याज डार्क ब्राउन ना हो जाए तब तक चलाते रहिए। और एक तरफ हमारी ये तुरई भी पक रही है। तो यहाँ पे डार्क ब्राउन हो चुकी है हमारी प्याज, अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर और थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि जो है मसाला जले ना। पानी डालने के बाद से इसे जो है अच्छे से भूनेंगे ताकि जो है मसाला थोड़ा सा ऑयल छोड़ दे। 2 से 3 मिनट इसको भूनने के बाद से देखिए मसाले ने ऑयल छोड़ दिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे दाल, वो भी चने की दाल। तो फ्रेंड ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसी बनी। तो ये दाल मैंने 2 घंटा भिगो के रखी थी, उसके बाद से जो है 2 सीटी मैंने इसको कुकर में दिया है और उसके बाद से ये मसाला जो आपने देखा उसके बाद से इसको डाल दीजिए इसमें। थोड़ी देर चलाने के बाद से इसमें ऐड कर दीजिए नमक और नमक के साथ भी थोड़ा चला लीजिए। तो ये रेसिपी इतनी टेस्टी होती है कि आप जब बनाएंगे खाएंगे तो कहेंगे कि बार बार ये मैं पकाऊं और खाऊं। तो अब जब थोड़ा सा इसको मैंने भून लिया है, अब क्या करेंगे, जो हमने तुरई को पकाया है 4 से 5 चम्मच मैं वो तुरई चने की दाल में डाल दूंगी। तो यहाँ पे मैंने 4 बार तुरई को निकाल के चने की दाल में डाला है और थोड़ा सा इसको चलाएंगे और फिर इसे लिड लगा के कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए। और जो इधर तुरई मेरी बची हुई है, अब उसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, जो कश्मीरी रेड चिली पाउडर होता है उसको, इसको थोड़ा सा चलाएंगे ताकि इसमें अच्छा सा कलर आ सके। तो मैंने ये तुरई आधी आधी कर ली है, थोड़ी चने की दाल में डाल दिया है और थोड़ी सी अलग से, मतलब एक थोड़ा सादी वाली है यानी कि प्लेन वाली, एक चने की दाल वाली। तो चने की दाल वाली में मैंने थोड़ा सा होल स्पाइस डाले थे यानी कि 1 तेज़पत्ता, 1 लौंग इलायची ये सब, और इसमें भी थोड़ा ऐड करेंगे कश्मीरी रेड चिली पाउडर। तो इसे 5 मिनट चढ़े हुए हो गया था और लेड लगा के मैंने इसे खोल दिया है और इसमें डाल दिया है रेड चिली पाउडर और इसको इसके बाद इसको थोड़ा सा चलाएंगे। तो बस ये वाली तुरई भी मेरी एकदम रेडी हो चुकी है, इसका पानी भी सूख चुका है। ये रेसिपी भी डन हो गई है और हमारी दाल वाली भी एकदम डन हो गई है। तो चलिए डिश आउट करते हैं। तो ये
ये रेसिपी आपको कैसी लगी तो मुझे प्यारे प्यारे कमेंट जरूर करिएगा और अपने प्यारे प्यारे फीडबैक भी जरूर दीजिएगा। भाई जो मेरे नए चैनल पे नए नए हैं, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली फ्रेश वीडियो के फ्रेश नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलती हूँ, अगली वीडियो में फिर मिलूंगी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।